नमस्कार, मैं हूँ अदिति अधिकार। जरा सोचिए, अगर पूरी धरती पानी में डूब जाए और हम सब एक साथ पानी में समा जाएं तो क्या होगा, और आप इसे क्या कहेंगे? ये सोचकर और सुनकर ही लोगों को चिंता सताने लगती है, लेकिन आज हम आपको जो कुछ भी बताने जा रहे हैं, शायद उसे सुनने के बाद आपकी चिंता दोगुनी हो जाएगी। एक रिपोर्ट ने धरती के समाप्त होने का चौंकाने वाला खुलासा किया है और बताया है किस तरह से एक दिन पूरी धरती खत्म हो जाएगी। ना यहाँ इंसान बचेगा और ना तो बेजुबान। और इस प्रलय के पीछे किसी और का हाथ नहीं, बल्कि हमारा और आपका होगा। वो कैसे, इसे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ अंत। सदी में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक का डूबना समुद्री इतिहास की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है। ठीक उसी तरह भविष्य में धरती का डूब जाना भी ज्यादा दूर नहीं है। दुनिया के खत्म होने व प्रलय आने की और धरती का खात्मा हो जाने की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। बरसों से चल रही धरती के अंत होने की मनगढ़ंत कहानियां आए दिन न्यूज और सोशल मीडिया पर वायरल होती है। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ना कोई कहानी है और ना ही मनगढ़ंत। इस खबर को देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। दुनिया के खत्म होने की ऐसी पहेलियों को सुलझाना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने धरती की वर्तमान हालत और पर्यावरण को लेकर चिंता जताते हुए एक बार फिर कुछ अनुमान साझा किए। पहले भी कई बार समुद्र के बढ़ते जल स्तरों के बीच दुनिया के कई शहरों के डूबने की चेतावनी जारी हो चुकी है। इस सूची में भारत के कई शहर भी शामिल हैं, जिनमें से एक है मुंबई। कोरोना महामारी जैसी आपदाओं के बीच धरती और भविष्य में और भी खतरों का अंदेशा जताया गया है। दरअसल इस सदी के अंत तक धरती पर भयानक आपदाएं आने की आशंका वैज्ञानिकों द्वारा कही गई। हाल ही में विज्ञान की रिपोर्ट पब्लिश करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन नेचर ने एक सर्वे कराया, जिसमें दुनिया भर के टॉप साइंटिस्ट शामिल हुए। IPCC की क्लाइमेट रिपोर्ट बनाने वाले वैज्ञानिकों ने इस जांच में चेतावनी दी है कि जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उस हिसाब से साल 2100 तक धरती पर भयानक बदलाव होंगे, जो किसी प्रलय से कम नहीं होंगे। IPCC की क्लाइमेट रिपोर्ट बनाने वाले वैज्ञानिकों ने इस जांच में चेतावनी दी है कि जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, उस हिसाब से साल 2100 तक धरती पर भयानक बदलाव होंगे, जो किसी प्रलय से कम नहीं होंगे। दुनिया के 234 साइंटिस्ट ने मिलकर IPCC की क्लाइमेट रिपोर्ट तैयार की है, जिनमें से एक वैज्ञानिक और कोलंबिया की मेडलिन में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ एंटीकोया के रिसर्चर पाउला एरियास, जिन्होंने बताया कि जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है, जरूरतें बदल रही हैं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, प्रदूषण और गर्मी बढ़ रही है, उस हिसाब से तो जीना मुश्किल होने वाला है। पाउला ने आगे ये भी कहा कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, उस हिसाब से समुद्री जल स्तर भी बढ़ रहा है। मुझे लग नहीं रहा कि अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। वो धीमी गति से काम कर रहे हैं। इस गति से धरती को बचाया नहीं जा सकता। प्राकृतिक आपदाओं के चलते सामूहिक स्तर पर लोग विस्थापित हो रहे हैं। पाउला की बात से कई अन्य वैज्ञानिकों ने भी सहमति जताई है। नेचर जर्नल ने पिछले महीने इस क्लाइमेट रिपोर्ट को बनाने वाले 233 वैज्ञानिकों को सर्वे में शामिल कराया, जिसमें 92 वैज्ञानिकों ने जवाब दिया, यानी इस समूह के 40% वैज्ञानिकों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि साल 2100 तक धरती पर इतनी तरह की समस्या आएंगी कि कई देश तो उसी में तबाह हो जाएंगे। बेमौसम बारिश, अचानक बादलों का फटना, सुनामी, तापमान ज्यादा होना, बाढ़, सूखा जैसी समस्याओं से इंसान परेशान हो जाएगा। जिन वैज्ञानिकों ने जवाब दिया, उसमें से 60% ने ये माना कि इस सदी के अंत तक धरती का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। जिस हिसाब से लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं, दुनिया की आबादी बढ़ रही है और लोगों की जरूरतें बढ़ रही हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले समय में हम और आप भी मिलकर धरती को नहीं बचा पाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।